तो गाइज आज हमारे पास है ये लिक्विड कलर और एक सिरिंज यानी कि टीका और एक पेन जिसके अंदर रिफिल है। तो आज हम लोग इस लिक्विड कलर को रिफिल के अंदर भर देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि उस रिफिल का क्या हाल होगा। उसके लिए पहले रिफिल के अंदर से सारी इंक निकाल लेंगे और इस रिफिल को पूरा खाली कर लेंगे। इसके बाद सिरिंज की हेल्प से उसके अंदर कलर को भर लेंगे और पेन के सारे पार्ट्स को सही से फिट कर लेंगे। और देखो अब ये बन चुका है अपना कलर पेन जो कि हमने घर पे बनाया है। एंड फाइनली अब बारी आती है इसको कॉपी पे यूज करने की यानी कि टेस्टिंग की। लेकिन वो देखने से पहले गाइस अगर आप इंडिया से हो तो लाइक करो, किसी और कंट्री से हो तो कमेंट करो। नहीं किया तो मतलब आप अपनी कंट्री से प्यार नहीं करते। इंडिया वालों ने तो लाइक कर भी दिया होगा। गाइस देखो यार ये पेन एकदम सही काम कर रहा है, इसमें से कलर भी एकदम सही से निकल रहा है।